हेलो दोस्तों लेट्स प्ले में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है इसलिए सब लोग सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और फिर तभी यहाँ पर पिंकी जग जाती है हाँ, अरे तो सुबह हो गई है चलो उठ जाती हूँ अरे ये क्या अभी तो सब लोग सो रहे हैं चलो मैं जल्दी से उठा देती हूँ मुन्ना मुन्ना चलो जल्दी से उठ जाओ बेटा मुन्ना बेटा उठ जाओ अरे ये ये क्या? मुन्ना के बाल बाल कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं? लड़का तो कटवाता ही नहीं है। अब तो टोपी के बाहर भी दिखने लगा है इसके लंबे लंबे बाल अरे अब मैं क्या करूं कैसे इसके बाल कटवाऊं जब भी बाल काटने चलो तो जोर जोर से रोने लगता है मुझे तो नहीं लगता ये लड़का बाल कटवाएगा मैं क्या करूं अरे हाँ आइडिया <laughs> ये तो अभी सो रहा है एक काम करती हूँ सिद्धार्थ जी को जगाकर जल्दी से बारबर को बुलवा लेती हूं। और सोते वक्त इसके बाल काट देंगे इसे पता भी नहीं चलेगा <laughs> और रोएगा भी नहीं। अरे हाँ ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा रहेगा भाभी सिद्धार्थ जी जल्दी से उठ जाइए हो क्या हुआ पिंकी जी ठीक है उठता हूँ मैं अरे क्या हुआ पिंकी क्यों जगा रही हो हाँ चाची बताइए इतना जोर से मत बोलिए मुन्ना सो रहा है अभी जग जाएगा वो क्या पिंकी जी मुन्ना तो सो रहा है आप बताइए क्या हुआ भाभी सिद्धार्थ जी मुन्ना के बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं और आप सबको तो पता है ना कि वो बाल कटवाता ही नहीं जब भी बाल काटने की बात करो तब रोने लगता है जोर जोर से और भाग जाता है और उसके बाल तो इतने लंबे हो गए कि दो चोटियां बना दो लेकिन मैंने एक आइडिया सोचा है काम करते हैं मुन्ना भी सो रहा है जल्दी से बार को बुला के उसके बाल कटवा देते हैं अरे वाह पिंकी ये आइडिया तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है सिद्धार्थ एक काम करो जल्दी से बार बार बुलवा लाओ हम मुन्ना के बाल सोते हुए ही कटवा देंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा अली वाह तो मुन्ने की खेल नहीं जब देखो बाल कटवाने से भागता लेता है पर आज तो उसको पता भी नहीं चलेगा और वो टकला हो जाएगा मैं तो उसे खूब चिढ़ाऊंगी मजा आएगा ये सिद्धार्थ जाइए ना प्लीज जल्दी से बार बार नहीं तो मुन्ना जग जाएगा और वो बाल नहीं करना चाहिए और फिर ये बोलकर सिद्धार्थ बार बार को बुलाने के लिए चला जाता है सिद्धार्थ जल्दी से नाई को बुला के लाना ठीक है ना हाँ हाँ भाभी ठीक है जल्दी से लाऊंगा और फिर तभी यहाँ पर मुन्ना की आग खुलने लगती है मामा, मामा, अरे मुन्ना बेटा बिट, मैं यहीं पर हूँ यहीं पर हूँ सो जाओ सो लला जाओ। लल्ला चलो चलो अरे बाप रे ये मुन्ना तो जगने ही वाला था अभी मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता अगर ये जग जाता तो बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाता और मैं इसको चिढ़ाती कैसे पर ये तो सो गया अरे वाह मुन्ना तो सो गया है अरे लेकिन सिद्धार्थ जी कहाँ रह गए अभी तक बार बार को बुला के नहीं लाए और फिर तभी सिद्धार्थ बाल काटने वाले को लेकर आ जाता है चलिए चलिए भैया जी इधर चलिए अरे हाँ चलता हूँ चलता हूँ किसको टकला करना है जल्दी बताइए अरे हाँ चलिए तो सही अरे भाभी देखिए बाल काटने वाला तो आ गया है और मुन्ना अभी तक सो रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं जगा अरे भाई बताइए किसको टकला करना है मैं हूँ बार बार टकला करता हूँ सबको बराबर जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए किसको टकला करना है अच्छा इस प्यारी सी बच्ची को टकला करना है क्या चलो चलो बेटा जल्दी से मेरे पास आओ मैं तुम्हें अभी टकला कर देता हूँ मेरा नाम है बार बार टकला करता हूँ बराबर नहीं नहीं मुझे बराबर टकला नहीं करना है मुझे नहीं टकला होना है क्या बोले मुझे टकला नहीं होना है अरे नहीं जी, स्वीटी, को टकला नहीं होना है आप उधर देखिए मेरा छोटा सा बेटा है उसको टकला करना है ठीक है ना आप किसी को भी मत टकला कर देना हो 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 हो, अरे आप लोग तो मेरे बातों से डर ही गए मैं मजाक कर रहा था मैं बहुत ही ज्यादा मजाक किया बार बार हूँ आप सब चिंता मत कीजिए अरे इस बार बार अंकल ने तो मुझे डरा ही दिया था अच्छा इस छोटे से बच्चे के बाल काटने हैं इसके बाल तो बहुत ही ज्यादा तो लंबे लंबे हो गए हैं आप इसे जल्दी से कुर्सी पर बिठा दीजिए ठीक है ना मैं खचा खच इसके सारे बाल उड़ा देता हूँ और हाँ थोड़ा जल्दी कीजिए मुझे और भी जगह पर जाना है अरे पिंकी जी आप एक काम कीजिए मुन्ने को धीरे से कुर्सी पर बिठा दीजिए उसकी आंख नहीं खुलनी चाहिए हाँ ठीक है सिद्धार्थ जी मैं धीरे धीरे लेकर जा रही हूँ कुर्सी पर बिठाने के लिए चलो मुन्ना पर बैठ जाओ तुम मामा 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 अरे ये क्या मुन्ना की आग तो खुल गई वो जग गया अब ये बाल नहीं कटवाएगा जी क्या पिंकी जी मैंने कहा था कि आराम से बिठाना देखो वो जग गया अरे नहीं नहीं मुन्ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बच्चा है वो आराम से बाल कटवा लेगा बिल्कुल भी नहीं रोएगा नहीं नहीं बाल नहीं कटाना नहीं कटाना बाल नहीं ए, हे, हे, बाल नहीं कटाना अरे मुन्ना तुम्हें कैची से डरने की जरूरत नहीं है वो तुम्हारे बाल काटेंगे कान थोड़ी ना काटेंगे जो तुम इतना डर रहे हो और ये क्या ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है मुझे तो नहीं लगता है कि ये बाल कटवाएगा अपना देखो बेटा बार बार अंकल आए जल्दी से बाल कटा लो हाँ मुन्ना जल्दी से बाल कटवा लो ठीक है ना नहीं

यहाँ पर मुन्ना अपने आप को दो चोटियों में इमेजिन कर रहा होता है <laughs> अरे वाह मुन्ना तुम तो दो चोटी में एकदम लड़की जैसे दिख रहे बहुत ही ज्यादा क्यूट दिख रहे हो तुम नहीं, नहीं क्यूट नहीं दिखना क्यूट नहीं दिखना नहीं दिखना क्यूट लड़की नहीं बना हाँ। अब मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगी कि मेरा मुन्ना मुन्नी बन गया है उसके लंबे लंबे दो दो छोटी है लड़के नहीं, नहीं बनना बाल कटवाना मम्मी बाल कटवाना और फिर यहाँ पर मुन्ना बाल कटवाने के लिए बैठ जाता है और बेटा अच्छे से बैठो अरे ये किया है तो मजा ही आ गया मुन्ना दो छोटियों के डर से कैसे बाल कटवा रहा है और वो तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है मजा आ गया अब तो मुन्ना टकला होगा टकला होगा मजा आएगा मुन्ना टकला होगा टकला टकला मुन्ना और हाँ। ये मुन्ना को क्यों चढ़ा रही हो, बाल नहीं कटवाएगा चलो चलो थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से थोड़ा सा इधर से रु जाओ बेटा अच्छे से बैठे रहो मैं तुम्हें अभी टकला कर देता हूँ बस दो मिनट की बात है और फिर यहाँ पर नाई मुन्ना के सारे बाल जल्दी जल्दी गिराने लगता है काट काट कर देखो बेटा मैंने दो मिनट में तुम्हारे सारे बाल धूल की तरह उड़ा दिए एक भी बाल नहीं बचाया तुम्हारे टकले पर <laughs> तुम तो टकला होने के बाद बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो <laughs> क्या कहा हैंडसम कुछ भी <laughs> एक घंटा बोल बोल टकला कर दिया अच्छा ठीक है मेरा काम खत्म हो गया है मुझे और भी लोगों को टकला करना है बाय बाय आप सबको जाता हूँ मैं जाओ 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 हे, दिया। मुन्ना रोने का कोई फायदा नहीं अब तो तुम टकले हो गए हो अरे लेने तो मेरे बेटे को मत चिड़ा बारबर ने कहा था मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम दिख रहा है हो 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 हो, क्या पिंकी जी आप भी मुन्ना कहाँ से हैंडसम दिख रहा वो तो बारबर ने ऐसे ही बोल दिया था अरे सिद्धार्थ जी आपको तो बहुत ही हंसी आ रही है लगता है आपको भी टकला करवाना पड़ेगा अरे नहीं नहीं पिंकी जी ऐसी कोई बात नहीं है चलो चलो भागता हूँ मैं यहाँ से दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो